आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस। क्या देखेंगे? मेजरमेंट या डिटरमिनेशन। तो मेजरमेंट बोले या डिटरमिनेशन बोले, एक ही चीज है। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, पानी के अंदर हमको हार्डनेस को मेजर करना है। तो EDTA मेथड को हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। और ये जो मेथड है रिलायबल है और एक्यूरेट है, मतलब बहुत टाइम से इसको यूज करते हुए हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। करेक्ट रीडिंग, करेक्ट इसका जो कैलकुलेशन होता है, हमको हार्डनेस, पानी के अंदर हार्डनेस सही निकाल कर देता है कि पानी के अंदर कितना हार्डनेस प्रेजेंट है, वो इसको कैलकुलेट करके देता है। इसको कम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। कम्प्लेक्सोमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है पानी के अंदर जाके, EDTA। तो EDTA, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है, ये EDTA का स्ट्रक्चर है। EDTA ये स्ट्रक्चर किसका है? EDTA का स्ट्रक्चर है। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसेटिक एसिड। तो भाई में डायरेक्ट पूछा जाता है कि EDTA का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बोलोगे? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसेटिक एसिड। प्रिंसिपल क्या है? ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मतलब आप इस मेथड से पानी के अंदर हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट हार्डनेस काउजिंग बायवेलेंट मेटल। तो हार्डनेस काउजिंग जो बायवेलेंट मेटल है, बायवेलेंट मतलब वैसा मेटल, बाय मीन्स दो। तो जैसे कैल्शियम 2+, ये आयन में कैसे टूटेगा? दो में टूटेगा। या मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, तो ये कैसा मेटल है? बायवेलेंट मेटल है। तो पानी के अंदर जो मेजर हार्डनेस आता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के वजह के आयन के वजह से ही आता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम ही जो है वो मेजर हार्डनेस काउजिंग साल्ट है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम मेनली जो है पानी के अंदर हार्डनेस देता है। तो इसी को आप मेजर करोगे कि कैल्शियम कितना हार्डनेस पानी के अंदर है बाय दिस मेथड। तो देखते हैं कैसे इसको मेजर करते हैं। तो EDTA मेथड में हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? EDTA मेथड से हार्डनेस बताना। तो इसमें आप एक ब्यूरेट लोगे। क्या लोगे? ब्यूरेट, 100 ml का ब्यूरेट सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर स्केल लगा होता है, कितना ml है? 100 ml का। इस तरह से आपको लैब में ब्यूरेट देखने को मिलेगा, BURETTE, ये हमारा ब्यूरेट है। और इसमें जो सॉल्यूशन है हमारा कितना है, ये 100 ml का। इसका वॉल्यूम कितना लेते हैं हम? 100 ml। कैसा सॉल्यूशन है? वर्सनेट सॉल्यूशन है। VERSENATE, वर्सनेट सॉल्यूशन 0.01 मोलर EDTA, 0.01 मोलर EDTA आप इसको इसके अंदर, इस ब्यूरेट के अंदर आप डालोगे 100 ml का। कंसंट्रेशन है 0.0 ml जो बता रहा है, EDTA का कंसंट्रेशन बता रहा है। और ये हमारा क्या है? EDTA। तो टाइट्रेंट हम जो लेते हैं, ये हमारा टाइट्रेंट है। क्या है? टाइट्रेंट। तो इस ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं। और ये मेथड EDTA जो मेथड है, EDTA मेथड जो है, हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन। हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन। और इस ब्यूरेट के नीचे हम क्या लेते हैं? पानी का सैंपल लेते हैं। इस पानी के सैंपल में ही तो हार्डनेस मेजर करना है। तो ये क्या है? वाटर सैंपल। ये क्या है? वाटर सैंपल, इसमें पानी भरा हुआ है। और पानी के अंदर क्या होगा हमारा? कैल्शियम 2+ होगा या मैग्नीशियम होगा? मैग्नीशियम 2+। तो पानी के अंदर कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ आयन होंगे, जो पानी के अंदर हार्डनेस, जिसके वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आया। तो ये वाटर सैंपल है हमारा। क्या है ये? वाटर सैंपल, वाटर सैंपल। तो एक बीकर में आप वाटर सैंपल लोगे और एक ब्यूरेट में आप क्या लोगे? EDTA का सॉल्यूशन लोगे। तो हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन।
तुम हार्डनेस को मेजर कैसे करोगे? प्रिंसिपल क्या है हार्डनेस का? प्रिंसिपल क्या है EDTA का? प्रिंसिपल क्या है? लिखोगे हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन, हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन, हार्डनेस इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन। हार्डनेस किसके मतलब कि हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन का मतलब है, टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है इस कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कोई भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनता है। तो ये होता है टाइट्रेशन का मतलब। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन कैसे होगा, 1 ग्राम EDTA, EBT है, इसमें जो इंडिकेटर हम लेते हैं, इंडिकेटर जो लेते हैं, अब देखो क्या होता है, इस पानी सैंपल के अंदर जो हमारा इसमें इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर जो हम लोग लेते हैं प्लस वाटर सैंपल के अंदर हम एक EBT मिलाते हैं, वाटर सैंपल के अंदर EBT मिलाते हैं, और EBT का फुल फॉर्म क्या है, एरीक्रोम ब्लैक टी। क्या ना फुल फॉर्म है, एरीक्रोम ब्लैक टी, देख लो यहाँ पे फुल फॉर्म देख लो, EBT का फुल फॉर्म है एरीक्रोम ब्लैक टी। और इसका कलर कैसा होता है, EBT का जो कलर होता है, EBT का कलर होता है ब्लू, EBT का कलर कैसा होता है ब्लू। तो पानी के सैंपल के अंदर हम EBT पहले से ऐड करते हैं, पानी का कलर इनिशियली कैसा होगा, कलरलेस होगा। जब कलरलेस होगा पानी, मतलब पानी का कोई कलर नहीं होगा, पानी में आप EBT मिला दिए, क्या मिलाए हो, EBT मिलाए हो, पानी के अंदर आप EBT मिलाए हो, और EBT का कलर कैसा होता है, EBT का कलर होता है ब्लू, EBT का कलर कैसा होता है, तो पानी इनिशियली कैसा हो जाएगा, अब देखो क्या होगा। तो EBT जो है यहाँ पे, EBT ये हमारा इंडिकेटर है, EBC हमारा इंडिकेटर का काम करेगा, EBT क्या करेगा, इंडिकेटर का काम करेगा। तो एक बार आप देख लो क्या क्या हम बताए हैं, ब्यूरेट में आपका EDTA होगा, ब्यूरेट के नीचे वाटर सैंपल होगा, और वाटर सैंपल में आप क्या ऐड करोगे, EBT ऐड करोगे, वाटर सैंपल के अंदर क्या होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन होगा, और जब इस वाटर सैंपल में आप EBT ऐड करोगे, वाटर सैंपल में जब आप EBT जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू या ब्लैक कलर का होता है, तो इस बुक के अनुसार से जो EBT का कलर है वो ब्लू है, तो जब EBT वाटर सैंपल में मिलाओगे तो EBT जाके किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ से जाके रिएक्शन होगा, किसका, EBT का। तो इसको हम लिख कर बताते हैं, EBT रिएक्ट किससे कर गया, पानी के अंदर जो कैल्शियम 2+ था,
या फिर मैग्नीशियम 2+ था, उसके साथ जाके रिएक्शन किया कौन, EBT, और क्या बना दिया, बना क्या दिया, ये ईबीटी का कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर है वो है वाइन रेड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर क्या है, वाइन रेड। और ईबीटी का कलर कैसा था, ईबीटी का कलर इनिशियली था ब्लू, ब्लू। ईबीटी जब पानी के अंदर आप मिलाए तो कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया उसका जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड। तो स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में ही जो पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया, किसमें, वाइन रेड कलर में हो गया। जैसे ही पानी के अंदर आप ईबीटी मिलाए, जैसे ही आप पानी के अंदर ईबीटी मिलाए, कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ का ईबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। और पानी का कलर कैसा कर दिया, वाइन रेड। पानी का कलर कैसा कर दिया, वाइन रेड। अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब टाइट्रेशन स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे नॉब होगा, इसको आप ओपन करोगे और इससे EDTA का सॉल्यूशन आप पानी के अंदर डालोगे। तो यहाँ पे हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब EDTA जाएगा पानी के अंदर, तो EDTA क्या करेगा, जो आप वाइन रेड कॉम्प्लेक्स बनाए थे, वाइन रेड कंपाउंड बनाए थे, उसके साथ जाके रिएक्शन करेगा, तो आगे दिखाते हैं। EBT जाके उसके साथ रिएक्शन करेगा EDTA। तो पानी के अंदर आप नॉब को ओपन कर दिए, ब्यूरेट का नॉब को, और EDTA जाके रिएक्शन कर रहा है वाइन रेड कंपाउंड के साथ। तो EDTA प्लस रिएक्शन किसके साथ करेगा, पानी के अंदर कौन है, EBT का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, EBT एरिक्रोम ब्लैक टी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके साथ EDTA ऊपर से नॉब जब खोले तो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, EDTA बना दिया, EDTA का कैल्शियम या मैग्नीशियम का कंपाउंड बना दिया, प्लस EBT। मतलब यह है कि EDTA जो है EBT से ज़्यादा रिएक्टिव है, EBT से EDTA ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए EBT के कंपाउंड को वो क्या कर दिया, तोड़ दिया, डिसोसिएट करके वो EBT में तोड़ दिया। तो EBT का फ्री कर दिया, मतलब EBT को पानी के अंदर कौन, क्योंकि पानी के अंदर EDTA EBT से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए EBT को फ्री करके EDTA जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बना दिया। और जो इसका कलर है, ये है कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस। और इसका कलर कैसा था, वाइन रेड। तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आप EDTA पानी के अंदर जाते जाएगा, वाइन रेड का जो कंपाउंड है वो कम होते जाएगा, और वाइन रेड पानी का कलर वाइन रेड से किसमें होते जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट होते जाएगा, क्योंकि EBT पानी के अंदर फ्री हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाइन रेड का कंपाउंड कम हो रहा है और पानी का कलर वाइन रेड से ब्लू हो रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन से पता चलता है, क्या पता चलता है, तो जब ये लास्ट में क्या होगा, जब EDTA पूरी तरह से, EBT पूरी तरह से पानी में फ्री हो जाएगा, तो पानी का जो पूरा कलर है वो ब्लू हो जाएगा, पूरा पानी का कलर हो जाएगा ब्लू, क्योंकि सारा EBT
धीरे धीरे करके फ्री होते जाएगा। तो पानी का, तो टाइट्रेशन का जो इंड पॉइंट है, पानी का जब कलर वाइन रेड से जब पानी का कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब हमारा जो है टाइट्रेशन वहां पर जाके कंप्लीट हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट वहां पे जाके कंप्लीट हो गया। आया समझ में? एक बार और समझो, EDTA जैसे आप पानी के अंदर मिलाए, EDTA पानी का EVT को फ्री करेगा, EVT को फ्री करके पानी का कलर को ब्लू बनाएगा, यानी वाइन रेड के कलर कंपाउंड को कम करके EVT को बढ़ाते जाएगा। और EDTA कैल्शियम कंपाउंड मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता है, तो पानी का जो भी कलर होगा वो EVT के वजह से होगा, तो यहाँ पर हमारा जाके टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या मेजर करेंगे, मेजर क्या करेंगे, मान लो इतना EDTA सॉल्यूशन लग गया, इतना EDTA सॉल्यूशन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लग गया, तो इसका आप वॉल्यूम मेजर करोगे कितना, VML वॉल्यूम मेजर करोगे, तो VML वॉल्यूम मेजर करोगे किसका, EDTA का। तो EDTA जो लगा हमको, कितना EDTA फाइनल रीडिंग हमारा जो पूरे रिएक्शन में जो EDTA हमको जितना कंज्यूम हुआ वो VML आ गया। तो VML को हम क्या करते हैं, VML का जो रीडिंग है उसको हम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में इसको चेंज करते हैं। तो भी क्योंकि हम कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को डायरेक्टली नहीं मेजर कर रहे हैं, कैल्शियम 2+ को डायरेक्टली हमारा मेजर नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जितना EDTA यूज हुआ, जितना EDTA इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हुआ उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जितना VML अगर इसमें लगा, VML इसमें लगा तो उतना ही कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ का आयन पानी के अंदर होगा, तो इस तरह से हम पानी का जो है हार्डनेस मेजर कर लेते हैं, इस तरह से हम पानी का हार्डनेस मेजर कर लेते हैं। तो उसी को लिख देते हैं, वी विल फाइनल रीडिंग जो हम नोट करेंगे, फाइनल रीडिंग कितना, फाइनली हम कितना EDTA यूज किए, VML EDTA यूज्ड, VML EDTA सॉल्यूशन हम लोग यूज कर लिए। वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ EDTA, वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ EDTA, इक्विवेलेंट ऑफ EDTA, EDTA का इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एज CaCO3, एज CaCO3, EDTA का इक्विवेलेंट हम किसके टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, और इक्विवेलेंट ऑफ EDTA यूज्ड, इक्विवेलेंट अब हम जानते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, तो इक्विवेलेंट ऑफ EDTA, इक्विवेलेंट ऑफ EDTA इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस। तो जितना EDTA यूज हुआ, जितना EDTA यूज हो गया उतना ही पानी का हार्डनेस होगा, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट के बेसिस पर पानी का जो है हार्डनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक लाइन और लिख दो, एक लाइन और क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ EDTA यूज्ड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ EDTA यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस एच
CaCO3। तो जितना 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 EDTA यूज हुआ इस टाइट्रेशन में, उतना ही इस पानी का हार्डनेस निकल कर आया इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रैक्टिकली वी कैलकुलेट हार्डनेस प्रैक्टिकली वी कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग ईडीटीए मेथड इन रॉ वाटर प्लांट। तो जहां भी पानी का प्लांट होता है वहां ईडीटीए मेथड से हम पानी का हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ टर्म है जो देख लो। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी देख लो। तो पहला है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। जैसे HCACO3 का और लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट निकालो। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो CaCO3 का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। और CaCO3 का चार्ज कितना है? -2। तो वैलेंसी कितना हो गया? 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 आया 50। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 50। तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है 50। और मान लो इसका वेट गिवन दिया हुआ है, इसका CaCO3 पानी के अंदर है 10 mg/L या 10 ग्राम। CaCO3 पानी के अंदर है 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? हंड्रेड ग्राम, हंड्रेड मान लो, हंड्रेड या 200 मान लो। CaCO3 पानी के अंदर है 200, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा गिवन वेट दिया हुआ कितना? 200। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट इसका CaCO3 का होता है इक्विवेलेंट वेट 50। 50 डिवाइड 50, तो 5 0 से 0 कटा, 5 20, तो 4 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो टाइट्रेशन का मतलब होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किसके साथ करेगा? 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, और लीड्स टू फॉर्मेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। तो यहाँ पर देख लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख गए, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए,
तो यहाँ इस रिएक्शन में यही हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईबीटी रिएक्ट किया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ से, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईबीटी रेड सॉल्यूशन बनाया। तो टाइट्रेशन का मतलब ये होता है। तो आई थिंक आपको, आप आज रुक जाओ, और क्या था? तो देखो यही, इस रिएक्शन में भी यही दिखाया, कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ ईबीटी के साथ रिएक्ट करके एक लेस स्टेबल वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेस स्टेबल वाइन रेड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट में जो हमारा इंडिकेटर कौन है, इंडिकेटर है ईबीटी, ईबीटी एरिक्रोम ब्लैक टी। पूछेगा एरिक्रोम ब्लैक टी ईडीटीए में इंडिकेटर का काम कैसे करता है, इंडिकेटर मतलब क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जब पानी का पूरा कलर ब्लू हो गया, पानी का पूरा कलर ब्लू हो गया तो हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा इंडिकेट कौन करेगा कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, इंडिकेट यही ईबीटी, क्योंकि ईबीटी इंडिकेट करता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। और ये मेटल ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स है, देखो कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो हम इसको सिंपल, इस पूरे पूरे कंपाउंड को क्या लिख सकते हैं, ईडीटीए, ईडीटीए का कैल्शियम या मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस पूरे को इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको तो हम वही लिखें, थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।